वो देखो, अरे बाप रे बाप, देख रहे हो? एक दो तीन चार पांच, मम्मी मम्मी। अगर आप दार्जिलिंग में घूमने आते हैं तो अगर रॉक गार्डन विजिट नहीं किए तो मतलब आपको कोई मजा मिलने वाला नहीं है। जाने के टाइम फटेगा तुम्हारा, वो तुम संभालो। थांग सों सिंह को बाया छे आ हो थोंग सिंह फो वा। रॉक गार्डन के लिए डिसाइड कर लिया कि वहाँ पे जाना है, तो चार आदमी कार भी अच्छा ही है। नहीं नहीं हो जाएगा, चलिए ना, 11 बजे तक में आ जाएगा। हम लोग 9 तो बज रहा है अभी, 9:30 में पहुंचेंगे, 1 घंटा घूमेंगे, 10:30 में वहां से मूव करेंगे तो 11 बजे आ जाएंगे। आप आगे बैठिए, अरे उसके सिंगल में बैठ जाते हैं। नहीं नहीं डाली गुम्बा अलग हो जाए, 800 रुपये में सब घुमाइ रहे हम तो अहिले। रॉक गार्डन पर कोई जानते नहीं 800 में, ये तो मेरा 12 बजे दूसरा पार्टी सब मोड़ निकले। हाँ पूरा दार्जिलिंग कोई आपको ये फोन करेंगे। समझता नहीं, समझता नहीं है यार, बच्चे की जान लेगा क्या? बच्चे का जान लेगा क्या? हाँ तो क्या बोल रहा था मिलिट्री? फाट के हाथ में, फाट के हाथ में, वाह रे वाह, क्या वादी भाई। रॉक गार्डन जो है यहाँ पे मतलब ट्रैकिंग का मजा भी हो जाता है। अभी ऊपर कम से कम यहाँ से जाने वाले हैं, ये कितना पता नहीं, कम से कम फिर 200 फुट ऊपर हम लोगों को ट्रैकिंग करते हुए जाना है। तो असल में जो किराया लग रहा था हम लोगों को टैक्सी में आने के लिए, तो एकदम हाँ एकदम उसूल हो गया। बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट है यहाँ का, जो ऊपर आते हुए थक गए वो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। हम लोगों को अभी जो है एकदम ऊपर वहाँ पे जाना है, ऊपर से जाने फिर उस तरफ से आएंगे। यार ये देखो नज़ारा कितना बहुत खूब सुंदर लग रहा है यहाँ का, ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे जाते हुए ऊपर से जाते हुए वहाँ से फिर उस तरफ चढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों और एक फैसिलिटी है कि यहाँ पे जो ड्रेसेस है चाइना का या नेपोलियन का जो भी है वो पहन के आप फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से मतलब खल 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 खलकते हुए पानी का आवाज़ आ रहा है कितना अच्छा से, और सब लोग जो है यहाँ से होते हुए एकदम ऊपर चढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ का नज़ारा कैसा है? तो नज़ारा देख के अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो रास्ता है ये रास्ता से हम लोगों को फिर उतर दिया जाएगा नहीं मतलब तुम रुक सकते हो रात भर भी, वो कोई बात नहीं है, पर ऐसे ही ट्रैकिंग का सिस्टम है तो बहुत ही मज़ा आता है यार। सच में रॉक गार्डन एकदम कमाल है यार।
आ रहा है यार। थक गए यार। भाई एक तो मजेदार चीज तुम लोगों को दिखाता हूँ, चलो उस तरफ स्टोन के पीछे, बहुत ही मजा आएगा। वो यहाँ का जो सीन है बहुत ही अच्छा है यार, वहां से जैसे कि मुनि ऋषि लोग तपस्याएं नहीं करते हैं। मेरे को तो भाई डर लग रहा है। अरे बाप रे बाप, वो देखो। अरे बाप रे बाप, देख रहे हो? एक दो तीन चार पांच, मम्मी मम्मी। अगर पहले सांप वगैरह यहाँ रहा होगा तब ना ये मतलब बनाया गया है इस तरह के बना के, है ना? तो असल में उसका ये यहाँ जो गैप है, यहाँ जो गैप है, यहाँ जो गैप है, इसका अंदर जो गैप है, ये सब जगह में असल में सांप हो सकता है, नागमाताओं हो सकते हैं। भाई मेरे को तो डर बहुत लग रहा है, क्योंकि ये है भी अंधेरा जगह, ये सब जगह में बिल्कुल साफ हो सकता है। और यहाँ मंदिर जैसे बना हुआ है, देखिए आप लोग, ये जो धनुष तीर जो भी बोले भाई, मैं तो नाम भी भूल जा रहा हूँ, कांप रहा हूँ। और देखिए माता की फ़ोटो भी लगा हुआ है, सच में बहुत डरावना है। मैं चल जाता हूँ और नमन करता हूँ इस जगह को, कुछ हो जाएगा तो मेरा तो खैर नहीं। आया हूँ बहुत दूर में, कहाँ से यार, वो भी कलकत्ता से। ये भाई है बोल के थोड़ा सा मेरे को साहस आ रहा है। हाँ तो अगर मेरे साथ और कोई नहीं होता तो शायद ही मैं थोड़ी आता यहाँ पे। तो चलो यहाँ से फिर चलते हैं। अरे कितना अच्छा सीन था यार, सांप वाला एकदम बढ़िया। कथी कथी में भाई घूम के आए लाए हम लोग। तो अभी उतरने का रास्ता कहाँ है भाई, पहले वो बता दीजिए। ऐसा कीजिए, आप वहाँ पे आइए। अच्छा अच्छा, बता दिया यहाँ पे आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं, पूरा नेचुरल है। हाँ हाँ, नेचुरल नेचुरल। हाँ ये नेचुरल है, जो फूल जो है, ये फ्लावर जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए कितना बढ़िया से बना हुआ है। ये कोई पौधा जो है ये रोपा नहीं गया है, कुछ बनाया नहीं है, एकदम नॉर्मली ये ऊपर वाला ने जो बनाया है वैसे ही एकदम लगा हुआ है। हाँ कुदरत का करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। ये भी आप दिखा दीजिए। अच्छा ये जो हमने सब पे है ना ड्रेस लगाया, अच्छा लगा नेपाल जी को। तो भाई यहाँ यहाँ उसको बात चौंड पड़ सो एवरा कैमरा में पहुँच दिल्ली में पाए आपसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा। और घूमने और भी हम जब जाएंगे घर में तो दोस्त लोगों को बोलेंगे कि आपके यहाँ आए घूमने के लिए, रॉक गार्डन देखे और आपके देखा। हाँ और ये जो अंकल है इनका जो ड्रेस है यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा 50 रुपये इसका आप लेता है, आप पहनेंगे, आप पहन के फोटो खींचिए, बहुत ही मतलब आपको बहुत सुंदर लगेगा और अच्छा लगेगा। इधर में भी और कुछ नहीं है, जो भी है बक्सा है, जादू है, चुना है, पर है बहुत मस्त यार यहाँ का भी। एकदम पूरा मस्त है, मजा तो लगा। और हम लोग जो चार है सबसे अच्छा हीरो लुक इसको ही दे रहा है। लाइक तो होता सही। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से, मतलब सामने में और एक तो टी गार्डन है बीच में, मतलब गाड़ी में जब आया था तो गार्डन हमको देखने को मिला, तो उस जगह में फिर से जाएंगे और वहाँ उतार के फिर थोड़ा सा शूट वीडियो वगैरह सब बनाएंगे, फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे, फिर जाके वहाँ से चलेंगे अपने होटल की ओर। उसमें यार पहाड़ का हाइट जो है एकदम मतलब मस्त है यार, चाइना में हूँ लग रहा है। नीचे ही यार बहुत हाइट है, फाट के हाथ में। वाह रे वाह, क्या वादी। गार्डन की आए में ही अच्छा पुराना लगता है। पुराना तो है ही, कम से कम पहले से शुरू से बना हुआ है। और